अगर आपने एम पॉकेट से लोन ले रखा, आपने 1,000 ले रखा है, 2,000 ले रखा है, तो भी आपके घर में रिकवरी एजेंट आएगा। जी हाँ गाइस, अगर आपने 2-3 हजार का भी लोन ले रखा है ना एम पॉकेट से, आपके घर आएगा, आपको तंग करेगा, आपके रिश्तेदारों को बोलेगा। तो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आज हम बात करने वाले हैं एम पॉकेट लोन ऐप के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी अर्जेंट है। अगर आपने एम पॉकेट से लोन लिया है तो ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखो, मैंने कितनी वीडियो में बोला है भाई, 3-4 वीडियो इस पे बनाई है और हर में बोला कि अगर रिकवरी एजेंट आएगा तो आपको उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर देनी है। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक बंदे ने लोन ले रखा था, मैं नाम तो शेयर नहीं कर सकता, भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया मेरे को, उन्होंने सिर्फ 4,000 रुपए लिए थे एंड उनके घर में भाई साहब आया है रिकवरी एजेंट। एक और केस आया मेरे पास जिन्होंने भाई 3,000 रुपए लिए थे, वो अभी कॉलेज में मतलब हॉस्टल में रहते हैं और उनके घर पे मतलब उनके मम्मी पापा के वहां, भाई वो घर पे भी नहीं है, वहां पे एक रिकवरी एजेंट जा पहुंचा और बोलता कि भाई मेरे को 3,000 रुपए दे दो। ठीक है, दोनों केस आपको बताता हूँ कहाँ के थे, एक थे राजस्थान का, एक था उड़ीसा का। ये दो केस आए हैं अभी, जो रिकवरी एजेंट वाला बंदा वहां पे गया है। ठीक है, मेरे को लगा था नहीं जाएगा क्योंकि स्मॉल अमाउंट में नहीं जाते ज्यादातर। ठीक है, जो मेट्रो सिटी में अगर 2-3 हजार रुपए हो, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, कहीं पे भी, तो लोग इग्नोर करते हैं कि यार 2-3 हजार के पीछे क्या जाना है। लेकिन अगर अमाउंट बड़ी हो, आपने 10,000 रुपए 3 महीने से नहीं दे रखे, 4 महीने से नहीं दे रखे, तो रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, मेरे को बहुत सारे एम पॉकेट के इंस्टाग्राम पे DMI सबने बोला कि कईयों में तो आया ही नहीं, कईयों ने 1 साल से नहीं दे रखा, कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, कईयों ने भाई 30 दिन से नहीं दिया, उनके घर आ गया। कई बंदे ने अगर मान लो 1 महीने से नहीं दिया तो उसके घर में रिकवरी एजेंट चला गया, और किसी ने 1 साल तक नहीं दिया और उसके घर में नहीं गया। तो जी अगर इसका बस एकमात्र कारण है कि मेट्रो सिटी में जो बंदे रहते हैं वहां पे रिकवरी एजेंट, ऐसा नहीं है एम पॉकेट वालों के नहीं है, हैं, लेकिन वो छोड़ते हैं कि भाई चलो यार कॉलेज का बंदा है, स्टूडेंट है, तो छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था अगर आपको फोन करके बोले, आपके कॉलेज में बोले कि भाई हम तेरे को कॉलेज से निकाल देंगे, वो सब तो ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी बात आती है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और आपके घर में आपके पेरेंट्स तक बात पहुंच जाती है, तो बंदा बहुत स्ट्रेस में चला जाता है। एक तो भैया आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप भाई वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, पढ़ाई की, और उधर भाई साहब आपके लोन के वहां ये बंदे एम पॉकेट वाले चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो आपके घर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को डरना नहीं है, यहाँ पे आप डरोगे, झूठ बोलोगे, झूठ नहीं बोला पता तो उनको लग गया, तो उनको पहले बोल दो कि हाँ मैंने लोन लिया था, सबसे पहले एक्सेप्ट करो। अगर आप झूठ बोलोगे तो भाई आप और प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इससे अच्छा बोल दो कि हाँ मैंने लिया था लोन, मेरे को कोई नीड थी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज, अगर आपके आप घर पे हो, वहां पे आप हॉस्टल में नहीं हो, घर पे और बंदा आ गया तो आपको भाई बोलेगा पैसे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, उनको बोलना है कि अपना जो भाई आपके पास आईडी प्रूफ है वो दिखाओ कि आप एम पॉकेट से हो। ठीक है भाई, दिखाएगा तो आपको बोलना कि भाई देखो अगर आपने 4,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए लिए, तो आपको क्या बोलना कि अगर 5,000 का 5,000 ही मांग रहे हैं वो, तो भाई पे कर दो कैसे भी करके। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 5,000 का भाई मुझे चाहिए 10,000-15,000 रुपए, तो बोलो कि भाई इतना ज्यादा पेनल्टी चार्जेस तो मैं नहीं दूंगा रिकवरी एजेंट भाई, ना मेरी तरफ से कोई दुश्मनी है। एंड भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 5,000 का लोन अमाउंट लिया और उसका भाई 6,000 इंटरेस्ट करके आपको रीपे करना है, तो ये नहीं कह रहा कि आप इंटरेस्ट मत दो, मैं कह रहा हूँ जो पेनल्टी चार्जेस और बाउंस चार्जेस लग रहे हैं वो मत दो, क्योंकि लोन तो भाई बिना इंटरेस्ट के तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा, ब्याज तो वो लेंगे, लेकिन जो ऊपर से बाउंस चार्जेस लग रहे हैं वो आपको नहीं देने हैं। अगर वो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हो, 400-500 हो तो दे देना, अगर वो बंदा मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उनको वीडियो बोल के बोलना कि भाई मेरे को हराश मत करो, आप जाओ, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं पे कर दूंगा। सिंपल बात है, रिकवरी एजेंट के कोई आपने रूल नहीं बोलना, अगर वो भी आपसे भाई सही से बिहेव कर रहा है आप भी सही से बिहेव करो, क्योंकि कई लोग पत्थर मारने लग जाते हैं, ऐसा मत करो यार वो भी बंदा अपनी जॉब कर रहा है, क्योंकि उसको भाई ऊपर से प्रेशर आता है तब वो आता है, नहीं तो वो आते भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो केसेस आए हैं ना 3-4 जहां पे रिकवरी एजेंट गया है, उनको ऊपर से प्रेशर आया है तब जाके हो गए, नहीं तो उनका इरादा नहीं है कि 2,000 के पीछे, 3,000 के पीछे, 4,000 के पीछे भाई आपके घर में आओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर आएगा तो उनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी नौकरी है। ठीक है, तो रिकवरी एजेंट में गुस्सा नहीं निकालना, बस आपको एक वीडियो रिकॉर्ड रखनी है, क्योंकि भाई अगर वो ऐसे मिसबिहेव करता है वीडियो के बिना तो प्रूफ नहीं रहेगा, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा तो वीडियो ऑन जरूर कर लेना। और आखिरी में मैं यही बोलूंगा, अगर सेटलमेंट की बात होती है तो कर लो, रीपे तो करना ही है आपको क्योंकि ये सिविल में डाउन करता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा बात बढ़ जाती है, 5,000 का 20,000 मांग रहे हैं, 10,000 मांग रहे हैं, तो रीपे मत करो, सिविल डाउन हो रही है होने तो, लेकिन आप पागल जैसे हरकतें मत करो कि आप 5,000 का 15,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, इतना इंटरेस्ट तो मैं फिर से बोलूंगा मत देना। एंड अब बात करते हैं लीगल एक्शन के बारे में, तो लीगल एक्शन देखो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका ज्यादा सिविल डाउन करेंगे। ठीक है, घर में 1 से 2 बार रिकवरी एजेंट आता है, अगर आ भी जाए तो उसके बाद वो नहीं आएगा भाई, उसको
भी समझ आ जाएगी ये बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, जब इसके पास होगा ये तभी करेगा, मेरा जाने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि क्या ये आपके कॉन्टेक्ट में फोन करते हैं रिश्तेदारों को? देखो अगर आपने रेफरेंस नंबर अपना दे रखा होगा तो ये उनको ही कॉल करेंगे, लाइक फेक एप्लीकेशन जैसे नहीं है कि भाई 100 कॉन्टेक्ट आपके निकाले और सबको कॉल करके बोलने लग गए कि भाई ये बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, ये कर देंगे जी नहीं एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ऐसा तो नहीं करेगी। लेकिन एक चीज करेगी, जो आप बंदों को रेफरेंस में देते हो ना उनको ये कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपका जो भाई ये रिलेटिव है ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो उनको प्लीज बोलो कि भाई पैसे दे दो, ऐसे करके बेइज्जती भी करते हैं मैं मानता हूं, लेकिन उनको ही कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक नहीं करेंगे, ठीक है। लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, रेफरेंस पे कॉल कर सकते हैं। एंड घर पे आते हैं बंदे, क्योंकि अब तो मैंने देख लिया है, तो घर पे आते हैं आपको करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्या स्टेप फॉलो करने हैं अगर वो घर पे आ जाते हैं। एंड अभी भी कई बंदे बोलेंगे भाई मेरे को तो 1 साल हो गया मेरे घर में कोई नहीं आया है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो भाई पता नहीं होता रिकवरी एजेंट कभी उसको ऊपर से प्रेशर आ जाए तो आपको करना क्या है, ये सब स्टेप फॉलो कर लेने हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और रीपे तभी करना जब आपके पास पैसे होंगे, जैसे 5,000 है तो 5,000 रीपे कर दो, मैं तो चाहता हूँ आप रीपे करो, लेकिन अगर आपको वही बात हो गई 5,000 का भाई 20-30 हजार मांग रहे हैं, कोई बंदा एक बंदा आया उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया उसने ले रखे थे 10,000 रुपए, उसका कर दिया 1,20,000 रुपए क्योंकि उसको 1 साल हो गया पेमेंट नहीं दी, तो भाई 10,000 उसको चाहे 1 साल हो गया तुम 1,20,000 रुपए बना दो भाई, 10,000 का 20,000 बना दो, 15 बना दो, लेकिन 1,20,000। तो आप ऐसा मत करना कि भाई आप 10,000 के पीछे 1,20,000 तो देने वाले हो नहीं, तो सिंपल सा प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया, आई होप अभी आप समझे हो। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको 100% वहां पे रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना भाई, जिन्होंने एम पॉकेट से लोन लिया था उनको भी पता लग गया कि अब भाई रिकवरी एजेंट आने लग गए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो यार इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।